डाला छठ पर दिखा महंगाई का असर, दुकानदार हुए मायूस। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज बाजार में डाला छठ पर दिखा महंगाई का असर, दुकानदार हुए मायूस। बता दें कि मंगलवार से शुरू हो रहे छठ महापर्व को लेकर जहां बाजारों में दुकानों को पूरी तरह से सजाया संवारा गया है, वहीं फलों की दुकानों पर भी कई प्रकार के फलों की बिक्री के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, लेकिन बिक्री न होने पर दुकानदारों में काफी मायूसी छाई हुई है। फलों और डाला छठ के सामानों पर महंगाई का असर साफ दिखाई दे रहा है। वहीं कप्तानगंज निवासी मुनीश सोनकर फल विक्रेता ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बहुत ही कम बिक्री हो रही है। सामानों पर महंगाई का असर दिख रहा है तो वहीं दुकानों पर महंगाई की वजह से भीड़ बिल्कुल नहीं है। डाला छठ पर्व पर डाला सूप, बांस के बने बर्तन व मिट्टी के बने बर्तन की बिक्री होती है, लेकिन महंगाई की वजह से इस बार बहुत ही कम लोग दुकानों पर आ रहे हैं। पूजा के सामानों की बिक्री बहुत ही कम है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में कप्तानगंज फल विक्रेता मुनीश सोनकर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। टीवी न्यूज 100 के लिए कप्तानगंज आजमगढ़ से विजय कुमार की रिपोर्ट। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मुनीश सोनकर है, ग्राम कप्तानगंज, जिला आजमगढ़। आज अभी यही छठ पूजा की तैयारी चल रही है। अच्छा, तो ये आपको पता है कि छठ पूजा मतलब आ गया है? हाँ। तो किस प्रकार खरीदारी चल रही है? किस प्रकार के फल मतलब है, कितने फल लेके जा रहे हैं लोग इस छठ पूजा में? तो लगभग 251 मेल का फल होता है। हाँ हाँ, अपनी इच्छा अनुसार सब लोग लेके जा रहे हैं। इच्छा अनुसार जिसको जितना हो सकता है वो अपना लेके जा रहा है। और ये आपको जैसा पता कि महंगाई चल रही है अब, तो महंगाई के हिसाब से क्या बिक्री हो रही है कि मतलब पहले से कुछ कम है? नहीं, हाँ, पहले से तो कुछ कम है, क्योंकि पहले जो था कि मतलब उतना मतलब ग्राहक जितने थे आते थे, इस समय तो कम हो गए। महंगाई की वजह से मतलब पड़ा है? हाँ, महंगाई की वजह से थोड़ी कम पड़ा है। और पहले के अपेक्षा जैसे पिछले साल जितनी दुकानदारी चली थी उस हिसाब से अब की बार मतलब क्या है, कुछ इफेक्ट पड़ा है, ग्राहक कम हुए हैं? इफेक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी तो आज और कल दो दिन चलेगा, लेकिन देखते हैं अभी शाम तक क्या होता है। अच्छा। सब छठ माई की कृपा है। चलिए ठीक है।